सुप्रभात बच्चों बच्चों, आज हम चैप्टर पढ़ेंगे वचन। तो वचन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें देखनी हैं। इसमें लड़का खेल रहा है, लड़का कितने लड़के हैं, एक है, यानी कि एक वचन। लड़के खेल रहे हैं, अब यहाँ एक से ज़्यादा हो गए, दो हो गए, तो ये बहुवचन में हो गया। ऊपर दिए गए वाक्यों में लड़का शब्द में संख्या में एक होने का बोध हो रहा है, लड़के शब्द को संख्या से एक से अधिक होने का बोध हो रहा है, वचन से संख्या में एक अथवा अनेक होने का बोध होता है। ऐसा समझ में शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद देखिए, हिंदी में वचन के निम्नलिखित दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से व्यक्ति, वस्तु अथवा पदार्थ के एक होने का बोध होता हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे केला एक है, संतरा एक है, मेज एक है, टोपी एक है, तो ये एक वचन में आएंगे। ऐसे बहुवचन शब्द के जिस रूप से व्यक्तियों, वस्तुओं अथवा पदार्थों के अनेक होने का बोध होता हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे केले, संतरे, मेजे, टोपियाँ, तो यहाँ ये बहुवचन हो गया। वचन की पहचान, अब वचन की पहचान मुख्यतः तीन प्रकार से हो सकती है। जैसे संज्ञा द्वारा पहचान, पत्ता हिल रहा है एक वचन, पत्ते हिल रहे हैं बहुवचन, पत्ता और पत्ते में एक वचन और बहुवचन। सर्वनाम द्वारा पहचान, वह जा रहा है एक वचन, वे जा रहे हैं बहुवचन। क्रिया द्वारा पहचान देखिए, मोर नाच रहा है एक वचन, मोर नाच रहे हैं बहुवचन। इस तरह से बच्चों इसमें यही होता है वचन में एक वचन और बहुवचन का फर्क। हिंदी में कुछ शब्द सदैव एक वचन में होते हैं, जैसे जनता, वर्षा, सोना, भीड़, चाय, घी, आकाश और सत्य। इस तरह के शब्द जब आते हैं तो वो चाहे एक आदमी के लिए कहे जाएं, चाहे ज़्यादा के लिए, एक वचन और बहुवचन में ये हमेशा समान होते हैं। जनता अपने अधिकार के लिए सड़क पर उतर आई, तो यहाँ जनता अपने अधिकार के लिए, यानी कि बहुत सारे लोग भाग हो गए। आज बहुत वर्षा हो रही है, इस तरह से इनसे एक एक क्वेश्चन बनाएंगे। अब ये देखिए, हिंदी में कुछ शब्द सदैव बहुवचन में होते हैं, जैसे आंसू हैं, तो वो आंसू हमेशा बहुवचन में आएंगे। प्राण, हस्ताक्षर, होश, दर्शन और समाचार, ये हमेशा बहुवचन में ही आएंगे। दीपक ने हस्ताक्षर कर दिए, दीपक जबकि एक ही है लेकिन उसके हस्ताक्षर बहुवचन में आएंगे। धमाके के शोर से उसके होश उड़ गए, हादसे में उसके प्राण बच गए, तो मतलब इस तरह का चाहे एक आदमी के लिए हो चाहे अनेकों के लिए हो, लेकिन हमेशा वो बहुवचन में ही आएंगे। सम्मान प्रकट करने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, तो सम्मान हम बड़ों का करते हैं, तो बहुवचन बड़ों के लिए हमेशा हम कोई भी शब्द बोलेंगे तो वो बहुवचन में ही बोलेंगे। दादाजी स्नान करने गए, अगर हम बहुवचन में नहीं बोलेंगे तो ऐसा लगेगा कि दादाजी स्नान करने गया, तो ऐसे हम नहीं बोल सकते हैं बड़ों के लिए। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, अध्यापिका पढ़ा रही हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो बच्चों जो बड़ों के सम्मान में हम बोलते हैं वो भी हम बहुवचन में ही बोलते हैं। आगे देखिए बच्चों, ए आ ई ई ऊ ऊ तथा औ से समाप्त होने वाले शब्दों के साथ यदि ने, से, का, की, के आदि परसर्ग आते हैं तो इनके अंत में ओ या यो जोड़ने से बहुवचन बनता है। जैसे छात्र लिखता है, छात्र लिखते हैं, छात्रों ने लिखा। ऐसे ही लड़की गाना गा रही है, लड़कियां गाना गा रही हैं, लड़कियों ने गाना गाया, तो यहाँ जो कारक के परसर्ग होते हैं वो अगर जुड़े हुए होते हैं तो ये हमेशा यो और ओ जोड़ने से बहुवचन में बन जाते हैं। नीचे दिए गए किंतु दूसरे रूप का प्रयोग मात्र वाक्य बनाते समय ही किया जाता है, जैसे पुस्तक, पुस्तकें, पुस्तकों, एक वचन, बहुवचन और बहुवचन खे, इसमें मतलब पुस्तक, पुस्तकें भी बहुवचन में आएगा और पुस्तकों भी बहुवचन में आएगा। बहन, बहने, छात्र, छात्राएं, एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में ए को
अई में बदलने से बहुवचन बन जाता है, जैसे मेज मेजी, चादर चादरें। ऐसे ही आ को ए में बदलकर बहुवचन बना सकते हैं, जैसे देखिए बकरा बकरे, चूहा चूहे, पंखा पंखे। ऐसे ही आ को अई में बदलने से शाला शालाएं, सेना सेनाएं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या जोड़ने से तो नीति नीतियां, जाति जातियां। ऐसे ही बड़ी ई में ईयां जोड़ देंगे, मकड़ी मकड़ियां, लड़की लड़कियां। ऐसे ही या आने के बाद स्त्रीलिंग के अंत में अनुनासिक शब्द में बदल जाते हैं, जैसे बुढ़िया बुढ़िया, सिर्फ यहाँ चंद्र बिंदु लगेगी अनुनासिक शब्द, गुड़िया गुड़िया। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, जिन शब्दों के अंत में ऊ ऊ या औ होता है उनमें ऐ लगा देंगे, बहु वधु वधुएं, वस्तु वस्तुएं। नेक्स्ट बच्चों लास्ट, गण लोग जन और वर्ग। ये देखिए ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, इसको ढंग से देखना। जैसे यहाँ एक वचन में पाठक, तो ये पाठक ही नहीं होगा, पाठकों नहीं होगा, पाठक गण, गुरु गुरुजन, किसान किसान वर्ग, विद्यार्थी विद्यार्थीगण, नेता नेतागण, आप लोग। इस तरह से बच्चों हम इनको एक वचन से बहुवचन में बदलेंगे, इनमें थोड़ा चेंज हो जाता है, बाकी वहाँ पे किसी में ईया लग जाएगा, किसी में या लग जाएगा, यू लग जाएगा, लेकिन यहाँ बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देखना, और हमारा ये चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। आपको समझ में आ गया होगा, संख्या में एक या अनेक होने के बोध कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं, वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। नेक्स्ट देखिए, वचन बनाते हैं, क्या बनाते हैं मतलब बताते क्या हैं, वो संख्या बताते हैं एक वचन होते हैं। सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द, भीड़ क्योंकि प्राण और ये तो बहुवचन में आ जाएंगे। सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं, बहुवचन में जो सदैव होते हैं, दर्शन, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, लड़की का बहुवचन लड़कियां, मैदान में लड़के खेल रहे हैं, हमें सदाचार का पालन करना चाहिए, वह खा रहा है। कविता सुनकर श्रोतागण झूम उठे। अब ये देखिए संख्या का बोध कराते हैं, ये सही है। वचन के छह भेद होते हैं, नहीं दो होते हैं। हिंदी में कुछ शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है, सही है। वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया से होती है, सही है ये भी। संज्ञा शब्दों का एक ही बहुवचन होता है, नहीं बहुत सारे होते हैं। वह, अब ये देखिए वचन बदलकर पुनः लिखिए, वह घर जा रहा है, वे घर जा रहे हैं, वे रात भर जागते रहे, वह रात भर जागता रहा, मेरे पास एक पेंसिल है, मेरे पास पेंसिलें हैं, शहर जंगल में शेर दौड़ रहा है, जंगल में शेर दहाड़ रहे हैं। तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है बच्चों, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। धन्यवाद।